आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ये हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन वार के लिए आज मुल्क में अदारों को तकसीम कर दिया गया। आज मुल्क के अवाम अदारों के सामने खड़े हो गए हैं। हमने इस हवाले से आगाही मुहिम शुरू की। हमने नौजवान हमारा जो है आज परेशान है, बेरोज़गार है और वो मुंतशिर है। हमने कोशिश की है कि पूरे मुल्क में लोगों के साथ मुलाकात की जाए, सियासी लोगों को मिला जाए, तमाम पार्टियों को मिला जाए और उनको एक एजेंडे पर इकट्ठा किया जाए कि इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क के लिए सियासत करें। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें लेकिन वो सियासत का महवर ये मुल्क हो, वो सियासत का महवर ये लोग हों, ये आवाम हो, इनकी खिदमत हो। और इसके लिए हमने इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस जो यहाँ कराची में भी कल प्रोग्राम हमारा है, इसी तरह पूरे मुल्क में हम इंशाल्लाह अज़ीज़ करें। हमारा बुनियादी तौर पे हमारा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये यकीन है और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम का मंशूर है कि खिदमत की सियासत के ज़रिए ही आगे बढ़ा जा सकता है और लोगों की खिदमत करना ही सियासत का बेहतरीन असूल है। मुल्क में महंगाई को रोकने के लिए कर्जों का सहारे पे जिंदा नहीं रहना होगा। हमने कर्जों से इनकार करके खुद इंसारी की पॉलिसी पे जाना होगा। अदरवाइज जब कर्जे लेते जाएंगे उसका सूद बढ़ता जाएगा, उसको सूद के देते जाएंगे और ये तरक्की मुल्क कभी नहीं करेगा। मुल्क तरक्की सिर्फ उसी लिए करते हैं जब खुद इंसारी की पॉलिसी। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने हमें इक्तदार दिया या हमें इक्तदार में हम अगर ना आ सके तो फिर भी इस मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि अहले इक्तदार लोगों को इस बात पर मजबूर कर देंगे कि जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, जो करप्शन है उसे रोक दें ताकि मुल्की वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उन्हीं को ब्रोकर कर लाकर इस मुल्क में तरक्की का पहिया चलाया जाए। हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि वो होश के नाखन ले। इस वक्त मुल्क में जो इंतशार है, जो दहशतगर्दी है उसकी तरफ देखें। लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे सब सारे मुल्क के सियासतदान, तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर एक एजेंडे पे आ जाएं कि इस मुल्क को तरक्की के लिए आगे लेके जाना है। इस मुल्क ने कायम रहना है तो नज़रिया पाकिस्तान के तहत कायम रहना है। इस मुल्क ने कायम रहना है तो इज्जत वक़ार के साथ कायम रहना है। इस मुल्क ने कायम रहना है तो एटमी पाकिस्तान के साथ कायम रहना है। इस मुल्क को कोई किस मुल्क के साथ कोई बंदा जो एटमी प्रोग्राम के साथ कंप्रोमाइज करेगा वो इस मुल्क के साथ नहीं चल सकेगा। मेरा सबको पैगाम ये है, मेरा तमाम सियासी कुव्वतों का पैगाम ये है, तमाम लोगों का पैगाम ये है कि वो पाकिस्तान के हालात को देखें, पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखें। ये वो अवाम है जिन्होंने अपने पेट काट कर ये हमारा प्रोग्राम जो है इसका तहफ्फुज़ किया। और आज फिर वो ये गुर्बत इसलिए लाई जा रही है, ये आर्टिफिशियल जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दो तीन वजूहात की बुनियाद पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि यहाँ पर कराची में हमारी जमात की तरफ से, मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। ये पूरी एक प्लानिंग है, पूरा एक लंबा अरसे का प्रोग्राम है कि जिसमें हम पूरे मुल्क में जो है इत्तेहाद की बात लेकर लोगों में जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ सियासी जो लोग हैं उनसे राबता किया, उलमा से राबता किया, समाजी तंजीमों से राबता किया, ताजिर तंजीमों से राबता किया है और सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन पर उनको मुतहिद किया जा सके। तो इस हवाले से इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके अलावा मुझ समेत कुछ लोगों की जो है वो ये समझ लें कि मरकज़ी मुस्लिम लीग में शमूलियत का बाकायदा ऐलान था। अल्लाह अकबर तहरीक सूबा सिंध का मैं सदर हूँ लेकिन आज मैंने इस बात का ऐलान किया कि इंशाल्लाह कि मैं आज से मरकज़ी मुस्लिम लीग का हिस्सा हूँ इंशाल्लाह। अवाम का जी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त अवाम में आप देख लीजिए हर तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि इंतशार है, मायूसी है। तो कहीं भी किसी भी जगह पर कोई जिसको कहा जाए कि मुस्बत बात वो इस वक्त अवाम में मौजूद नहीं है और हर जगह पर एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, यानी मनफी मनफी मनफी। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ मुस्बत चीज़ें आनी चाहिए और ये जो एक इंतशार वाली फ़िज़ा है इसको ख़त्म किया जाए। बालाई सतह पर इदारों में इत्तेहाद पैदा हो, सियासी जमातों में इत्तेहाद पैदा हो, आपस में बाहम बैठकर जो है वो मसाइल हल किए जा सकें और मसाइल को हल करने के बाद जो है इसी जो सूरत हाल इसको अवामी सतह पर ला कर जो है मुल्क को किसी सही सिमत में ले जाया जा सके। तो असल फ़ायदा इस पूरी सूरत हाल का अवाम को ही होना इंशाअल्लाह। देखें जी, हम तो दोनों तरफ बात करना चाहते हैं और दोनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दोनों तरफ से एक सूरत हाल इस तरह की बनाई गई है कि इख्तलाफ़ को और ये बल्कि इख्तलाफ़ से भी आगे बढ़कर आप इंतशार की बात कर लें कि इसको उजूर पर, इसको बिल्कुल उरूज पर जो है वो ले जाया गया है।
तो दोनों तरफ से एक कदम पीछे हटकर आपस में मिल बैठना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए, ढूंढना चाहिए और आवाम के लिए कोई खैर की खबर इन लोगों की तरफ से आनी चाहिए। इस वक्त पीडीएम जो है वो खालिसतन अपने मुफाद की बात कर रही है, बिल्कुल दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है, आवाम के हवाले से कोई बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो दोनों को मिलना चाहिए, बैठना चाहिए और मुल्क की बात करनी चाहिए।